हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अपनी एग्ज़ाम जब होंगे तब हो जाएंगे, प्रिपरेशन आपकी वो और ज़्यादा बेटर होती जाएगी। तो उस चीज़ में बिल्कुल भी आप वेट मत कीजिएगा कि पेपर से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले मैं फिर से रिज्यूम करूँगा। और अभी आप अपना पबजी भी वापस आ रहा है मैंने सुना इंडिया में, तो उसमें लगे रहो कहीं। ठीक है, तो MCQs डिस्कस करेंगे 8th एंड 9th में 2021। कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे इन दोनों दिनों के न्यूज़ में से। ऑलराइट, एंड PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, दैट इज़ 9041244689, या फिर आप मेल कर सकते हो शिक्षित@gmail.com पर। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स जो हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एशियाटिक लायंस। ओके, एशियाटिक लायंस अभी न्यूज़ में थे। न्यूज़ में रहने का कारण क्या था कि अभी देर वॉज अ जू इन इंडिया, ओके, कॉल्ड द नेहरू जू इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो उस जू में बेसिकली हुआ क्या कि 8 ऐसे एशियाटिक लायंस थे हु वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19। ओके, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो इसीलिए एशियाटिक लायंस के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो एशियाटिक लायंस आर स्लाइटली स्मॉलर देन द अफ्रीकन लायंस, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, दे आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि करेक्ट इनकरेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, चलो, तो अगर एशियाटिक लायंस के बारे में अच्छे से पढ़ा है तभी इसका आंसर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्लाइटली स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन लायंस से। एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, ऑल राइट, सॉरी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। दे आर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड में आते हैं अभी। ठीक है, एंडेंजर्ड में आते हैं, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, एंडेंजर्ड में आते हैं। लेकिन टाइगर, सेव द टाइगर, सेव द टाइगर या एशियाटिक लायंस, ये 2-3 ऐसी स्पीशीज हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। ठीक है, तो टाइगर के साथ भी हम जो है वो ये लेकर के चलते हैं कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और एशियाटिक लायंस के लिए भी हम यही सपोज करके चलते हैं। लेकिन आपको एग्जैक्ट इनका स्टेटस पता होना चाहिए, चाहे वो टाइगर है चाहे वो आपका एशियाटिक लायन है। चलो, अब आपका एक छोटा सा होमवर्क ये हो गया कि आपने टाइगर का IUCN स्टेटस जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या है टाइगर का IUCN स्टेटस? कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, इस केस में आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एशियाटिक लायंस के बारे में डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूज़ में क्यों था मैं आपको बता चुका हूँ। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में अराउंड 8 जो एशियाटिक लायंस हैं दे हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, और इस वजह से सारे जो कंट्री के जूज हैं उनमें हलचल मच गई है। एक ठीक है, जूज को क्लोज कर दिया गया है ऑल ओवर द कंट्री, बहुत सी स्टेट्स में। वो भी न्यूज़पेपर में वो एक हेडलाइन था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और ये पहला केस है जहां पर हमें जो एक वायरस है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है वो फेलाइन एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हुए पाया गया है। इससे पहले 2020 में न्यूज़ आई थी कि एक टाइगर जो है COVID-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुआ था इन न्यूयॉर्क, उस टाइम पर भी काफ़ी हल्ला मचा था। अब इंडिया में ये चीज़ आ गई है। ओके, अब एशियाटिक लायंस के बारे में पढ़े। सो एशियाटिक लायन को आप पर्शियन लायन या इंडियन लायन भी बोलते हैं, एंड इट इज़ द मेंबर ऑफ पेंथेरा लियो सब स्पीशीज। ये इंडिया में स्पेसिफिकली आपको स्पीशीज जो है लायन की मिलती है। ओके, उससे पहले ये वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में भी एशियाटिक लायंस मिलते थे, पर वहाँ पर विद टाइम जो है ये उन रीजन्स में एशियाटिक लायन एक्सटिंक्ट हो गए। जो एशियाटिक लायंस होते हैं ये स्लाइटली स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन लायंस से। ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ओके, उसके बाद एक जो मेजर डिफरेंस आता है एशियाटिक लायंस और अफ्रीकन लायंस में वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, बेली के पास अगर यहाँ पर आप इमेज देखो, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड ऑफ स्किन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये एशियाटिक लायंस में देखने को मिलेगा, अफ्रीकन लायंस में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, EPFO वाले बच्चों को इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं UPSC में, या फिर CDS की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्टेट सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ऐसे जो एशियाटिक लायंस हैं ये वेस्ट बंगाल में आपको मिलते हैं। अब वंस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एक समय में वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में भी मिलते थे,
पर प्रेजेंटली जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वो गिर नेशनल पार्क ही है, और गिर नेशनल पार्क के आसपास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहां पर ही ये आपको देखने को मिलते हैं। रीएलोकेशन की वजह से कई जूज में इनको रखा गया, जैसे हम हमारा नेहरू जो जू की बात कर रहे हैं वहां पर रीलोकेट इनको किया गया था। ओके, 2020 में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है एशियाटिक लायंस की इन द गिर फॉरेस्ट रीजन। तो हमारे पास ये कुछ डाटा आया था 2020 में, इट वॉज सेट देर वर अराउंड 674 टोटल एशियाटिक लायंस, ओके, इंक्लूडिंग द एडल्ट सब एडल्ट कब्स मिला करके। 2015 में 523 थे, तो 2020 में ये इंक्रीज हो गया था। इस तरह के स्टेटमेंट्स भी पूछे जाते हैं कई बार करंट अफेयर्स में, दैट अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय गुजरात स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस इन द गिर नेशनल पार्क एंड द सराउंडिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैज डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू द ईयर 2015। तो वो पूछ लेगा कि स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। आप कह दोगे कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 2015 के मुकाबले जो एशियाटिक लायंस हैं उनका नंबर इंक्रीज हुआ है, पहले 523 थे अब 674 हो गए हैं। ठीक है, चलो ओके, प्रोटेक्शन स्टेटस की भी बात कर लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस एंडेंजर्ड है। ऑप्शन जो हमारा गलत हुआ था उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिखा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, एंडेंजर्ड होगा। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करता है एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली चीज, ठीक है, पेपर के अंदर, तो इसको ध्यान में रखना है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 जो है वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज को। कंजर्वेशन एफर्ट, जो लेटेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट है फॉर एशियाटिक लायन, अगर वो देखें तो एक एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था, इसको शुरू किया था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, ओके, और 3 सालों के लिए इसको अप्रूव किया गया था, 2018 से 2021 के लिए। इस प्रोजेक्ट का मेनली एम क्या था कि किस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट की जा सकती है बाय इन्वॉल्विंग द कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो सराउंडिंग कम्युनिटीज़ हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, उन कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट करते हुए, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, मल्टी सेक्टोरल एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए किस तरह से डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है एशियाटिक लायंस में, ठीक है, वेटरनरी केयर प्रोवाइड की जा सके उन्हें, ठीक है। आप अगर जानते हो पिछले साल भी एक वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा एशियाटिक लायंस में फैल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एशियाटिक लायंस की डेथ भी होगी थी। एक और आपका होमवर्क है, दो आपके होमवर्क हो गए, आपको उस वायरस का नाम भी बताना है, ठीक है, आपको उस वायरस का नाम भी बताना है विच रिजल्टेड इन टू डेथ ऑफ मैनी एशियाटिक लायंस इन द ईयर 2020। ओके, तो दो आपके चीज़ें हो गई, एक तो आपने टाइगर का मेरे को IUCN स्टेटस बताना है कमेंट सेक्शन में, और एक आपको मेरे को उस वायरस का नाम बताना है। ऑलराइट, चलिए, तो ये न्यूज़ थी जो आपका 8 मई का न्यूज़पेपर है उसमें था, जू क्लोज्ड इन हिमाचल पंजाब, वायरस अलर्ट साउंडेड एंड दिस वाज द डिसीजन टेकन आफ्टर इन्फेक्शन इन लायंस एट हैदराबाद जू। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी PIB में ये न्यूज़ में थे, जिक्र में थे, इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया है। तो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अथॉरिटी जो है ये इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट, द अथॉरिटी कैन इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड ओनली टू लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं उनको हम लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। तो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के फाइनेंशियल मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। नंबर 3, द चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी के चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वंस अगेन करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। 1 only, 2 only, 3 only, or 1, 2 and 3, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखो, पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, द अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही इसको बनाया गया। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, तो पहला तो करेक्ट है, तो जिस भी ऑप्शन में 1 है वो कट गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द अथॉरिटी कैन इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड ओनली टू लिस्टेड कंपनीज, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनीज एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनीज के मैटर्स भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अनलिस्टेड कंपनी के, कौन सी अनलिस्टेड कंपनीज के मैटर इन्वेस्टिगेट करेगा वो भी हम डिटेल देखेंगे, उसके लिए लिमिट्स वगैरह जो है वो सेट की गई हैं
कि टर्नओवर इतना होगा तो ही उस अनलिस्टेड कंपनी जो है वो एनएफआरए के परव्यू में आएगी, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो अपने से इनकरेक्ट ही पूछा गया है। तो बी और सी में टू ओनली थ्री ओनली, तो अगर मेरे को थ्री नहीं भी पता तब भी मैं आंसर कह दूंगा कि बी गलत है, ठीक है, टू ओनली इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट सही है, चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया अपना, ठीक है। अब डिटेल में देखेंगे एनएफआरए के बारे में, न्यूज में क्यों था। बेसिकली पीआईबी में ये न्यूज आई थी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने एक डेटाबेस पब्लिश किया है, एक प्रोविजनल डेटाबेस पब्लिश किया है। बेसिकली इस डेटाबेस में उन कंपनीज का नाम है जो रेगुलेटरी परव्यू में आएंगी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, तो उन कंपनीज का एक डेटाबेस पब्लिश किया है। तो वो न्यूज अपने लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस अथॉरिटी के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का भी आप इसको जो है पार्ट अपने रख सकते हैं क्वेश्चंस में, ओके चलो। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन 2018 में ये बॉडी बनाई गई थी, भारत सरकार ने बनाई थी, और इसको बनाया गया था अंडर सेक्शन 132(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऑडिट रेगुलेटर है ये बॉडी। बैकग्राउंड क्यों इसको बनाया गया, क्योंकि ऑडिटर्स और जो ऑडिटर्स थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के इंडिया के, बहुत सारे लैप्सिस पकड़े गए जब पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम हुआ और जो वेरियस कॉर्पोरेट स्कैम्स सामने आए, तो उन स्कैम्स में ये पता चला कि जो ऑडिटर्स थे देवर प्लेइंग अ मेजर रोल इन दो स्कैम्स, ठीक है। तो अब इन ऑडिटर्स के रोल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और एक बॉडी जो गवर्नमेंट बॉडी हो जो रेगुलेट कर सके इन सबको, उसको बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, एक चेयरपर्सन होता है, ओके, एंड दिस चेयरपर्सन शॉल बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैविंग एक्सपर्टाइज इन अकाउंटेंसी ऑडिटिंग फाइनेंस और लॉ, ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी और इसमें बाकी के मेंबर्स भी होंगे, लेकिन 15 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 15 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, तो ये भी एक स्टेटमेंट डायरेक्टली आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर फंक्शंस एंड ड्यूटीज की बात करें, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज, ऑडिटिंग पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है कंपनीज जो कंपनीज को अडॉप्ट करने चाहिए वो ये रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर एंड एनफोर्स कॉम्प्लियंस, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कंपनीज उनको प्रॉपरली एनफोर्स कर रही हैं या नहीं, ये उस चीज़ को मॉनिटर करेगी, और अगर नहीं एनफोर्स कर रहे हैं तो उसको एनफोर्स करवाएगी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशंस, ठीक है, जो सीएज एसोसिएटेड हैं ऑडिटिंग जॉब के साथ, जो कंपनीज एसोसिएटेड हैं ऑडिटिंग जॉब के साथ, तो ये भी काम होगा इस एनएफआरए का कि ये देखे कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये सर्विस में क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर इंश्योरिंग द कॉम्प्लियंस विद वेरियस स्टैंडर्ड्स, और साथ ही साथ ये मेजर्स भी सजेस्ट करेगी कि किस तरह से क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव किया जा सकता है। अल्टीमेटली इट विल बी प्रोटेक्टिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। कोई भी बॉडी अगर बन रही है तो पब्लिक इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्ट कर ही रही है, ओके चलो। पावर्स की अगर हम बात करें, सो इट कैन अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स। सबसे पहले तो जो कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, चाहे वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है या वो किसी फॉरेन कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो दोनों केसेस में ऐसी कंपनीज अगर इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं तो उनके ऊपर ओवरसाइट एनएफआरए का रहेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी इसके परव्यू में आएंगी। कौन सी ऐसी पब्लिक कंपनीज हैं जो अनलिस्टेड होते हुए भी इसके परव्यू के अंडर आएंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी पेडअप कैपिटल 500 करोड़ या इससे ज़्यादा है, ठीक है, और या फिर वो कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ओके, या फिर वो कंपनीज जिनके आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है। और ये हर साल देखा जाएगा, 31 मार्च जो है डेट होगी उसके हिसाब से ये चेक किया जाएगा, ठीक है जी। तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल पब्लिक किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर या डिपॉजिट 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसको भी एनएफआरए के परव्यू में रखा जाएगा। उसके अलावा सारी इंश्योरेंस कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर, दे आर लिस्टेड और नॉट लिस्टेड, दे आर यू नो कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा उसमें। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है या ऐसी कंपनी विच इज़ एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी एनएफआरए के परव्यू के अंडर आएंगी, ओके चलो। उसके बाद
जो प्रोफेशनल्स मिसकंडक्ट जिनका पकड़ा जाता है, ठीक है, दे आर हेल्ड लाइबल फॉर मिसकंडक्ट, तो उस केस में NFRA के पास अथॉरिटी है, पावर है टू मेक ऑर्डर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी ऑल्सो. ठीक है, पेनल्टी कितनी लगाई जा सकती है? नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज. और ये जो पेनल्टी है नॉट लेस देन 1 लाख की, इट कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू 5 times. ओके, देन नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज, बट विच में एक्सटेंड टू 10 times ऑफ द फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ फर्म. तो इंडिविजुअल के केस में 1 लाख, जिसको आप 5 गुना 5 लाख तक कर सकते हो, यानी कि इंडिविजुअल प्रोफेशनल के केस में. और फर्म के केस में जो मिनिमम पेनल्टी होगी वो 10 लाख होगी, और ये जो मिनिमम पेनल्टी है 10 लाख की, इसको 10 times तक एक्सटेंड किया जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज इन केस ऑफ फर्म्स. ठीक है, पहला इंडिविजुअल का केस है, दूसरा फर्म का केस है. ओके, जो NFRA है इनके अकाउंट्स कौन मॉनिटर करेगा? इनके अकाउंट्स मॉनिटर करेगा आपका CAG, दैट इज योर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? NFRA का न्यू दिल्ली में. ठीक है, अब अगर आपका NFRA से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो गलत नहीं होगा, इतनी डिटेल में हमने NFRA को पढ़ लिया. ठीक है, और यही जो है कंसेप्ट है करने का. मेन चीज यहाँ पर ये नहीं है कि हम एक दिन के करंट अफेयर में से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करें. मेन ये है कि जो मैं क्वेश्चन उठाऊं आपके लिए उसको हम डिटेल में अच्छे से कर लें, ताकि अगर पेपर में उस टॉपिक में से कुछ आता है तो वो अपना गलत नहीं होगा. और अगर हम डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो न्यूज़ आपकी कवर हो जाएगी, कोई न्यूज़ छूटेगी नहीं. तो उस चीज में आप क्वांटम में मत जाएं. ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में, या कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर क्वेश्चंस थोड़े बढ़ाएं, आप क्वांटम में मत जाएं, आप ये देखें कि आपको टॉपिक कितने कवर कराए जा रहे हैं. अगर मैं क्वांटम में जाने की कोशिश करूंगा ना, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी ऐसे नहीं आ पाएगी. ठीक है, समझ रहे हो? चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक. वंस अगेन PIB के अंडर न्यूज थी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द बैंक वॉज इस्टेब्लिश अंडर द ट्रीटी ऑफ रोम इन 1958 में ट्रीटी ऑफ रोम के अंडर इसको बनाया गया. हेडक्वार्टर्स लुक्जमबर्ग में है. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, दोनों, या फिर कोई भी नहीं. बताइए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आंसर विल बी सी, दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं. सबसे पहले न्यूज में क्यों था? क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंदर द सेकेंड ट्रांच ऑफ यूरो 150 मिलियन फॉर पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट हैज बीन ग्रांटेड. तो बेसिकली जो आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है वो इंडिया को टोटल 600 मिलियन यूरो का लोन देगा पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. पहली किस्त अपने पास आ चुकी थी 200 मिलियन की 2019 में, और अब 150 मिलियन यूरो की सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए भी एग्रीमेंट साइन हमने कर लिया है. ये जो आपका पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन. ओके, अब बात करते हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की. नॉन प्रॉफिट बैंक है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है. 1958 में ट्रीटी ऑफ रोम के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था. लुक्जमबर्ग में हेडक्वार्टर्स है. ठीक है, फाइनेंसिंग ऑपरेशंस यूज करता है EIB टू ब्रिंग यूरोपियन इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेशन, एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल पब्लिक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद कर लोगे, फैक्चुअल से हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूज में था, मीडिया के अंदर भी चल रहा था, आपने पढ़ा भी जरूर होगा. अगर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हो तो भी हर न्यूज चैनल के ऊपर ये आजकल छाया हुआ है. सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू द ड्रग 2DG That was seen in news recently. Pehla, the drug has been developed by the Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences. Dusra, unlike other COVID vaccines, this comes in a powder form taken orally. Baki to tikke lagte hain, ye powder ki form mein aayega. Tisra, the clinical trials of the drug has shown faster recovery of hospitalized COVID patients. Aapko batana hai kaun sa statement correct hai. अगर आप न्यूज चैनल्स को फॉलो कर रहे हो ना तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे. ठीक है, तो आंसर इस केस में क्या होगा? देखो, पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं. गलत मैं आपको क्यों कह रहा था कि आप करोगे? क्योंकि न्यूज चैनल्स में कंटिन्यूअसली बताते हैं कि द ड्रग हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO. ठीक है, तो हमारे दिमाग में DRDO छप गया. सही है, DRDO ने ही इसको डेवलप किया है, लेकिन DRDO की अलग अलग लैब्स हैं पूरे कंट्री में. ठीक है, और वन ऑफ द लैब इज कॉल्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस. तो इस पर्टिकुलर लैब ने इस मेडिसिन को डेवलप किया है अलॉन्ग विद योर वन प्राइवेट फर्म
डॉक्टर रेड्डी, ओके। तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड लाइट साइंसेस न्यूज में नहीं इतना हाईलाइट होता है, वो सिर्फ डीआरडीओ दिखाते रहते हैं, तो अपने दिमाग में भी वो छप जाता है और अपने को पता नहीं होता कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज जो है वो डीआरडीओ की ही एक लैब है। तो इसीलिए हम आंसर इसका गलत कर देते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट और टू एंड थ्री ढूंढने लगते हैं, लेकिन मैंने ऑप्शंस ऐसे बनाए थे कि आप कंफ्यूज ना हो ज्यादा, ओके चलो। और दूसरा स्टेटमेंट भी कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चे ने अगर पढ़ा ना हो, क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन जो है वो इंजेक्शन वाली हैं, तो अगर ना पढ़ा हो ना इसके बारे में जानकारी आई हो तो आप ये सपोज करके चल लेते हो कि ये भी इंजेक्टेबल ही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, 8th मई के न्यूज़पेपर में ये कवर हुई थी। तो ड्रग कंट्रोलर जो है आपका, उन्होंने ग्रांट कर दिया है परमिशन फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ दिस एंटी कोविड 19 एप्लीकेशन। अब देखो वैक्सीन और इसमें डिफरेंस है, वैक्सीन बेसिकली क्या है, वैक्सीन है आपको कोविड से बचाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको कोविड होने के चांसेस कम हो जाएं, या फिर अगर आपको कोविड होता भी है तो वो जो कोविड की सिवेरिटी है वो लेस हो। बट दिस मेडिसिन इज बेसिकली फॉर कोविड पेशेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये आपको आपको कोविड नहीं है और आप बिना बात के इसको लिए जा रहे हो लाइक अ वैक्सीन, नो, दिस इज फॉर कोविड पेशेंट्स, ये ट्रीटमेंट के लिए है, ठीक है, ये क्या है, ट्रीटमेंट के लिए है। तो कोविड 19 थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग 2-deoxy-D-glucose, जिसको हम शॉर्ट में 2DG कहते हैं, विच हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, विच इज अ लैब ऑफ द DRDO, और प्राइवेट कोलैबोरेटर कौन है इसमें, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ऑफ हैदराबाद, ओके। अब खासियत क्या है इसकी, सबसे पहले तो ये जो ड्रग है पाउडर फॉर्म में आता है, ज्यादातर वैक्सीन जो है हमारी वो इंजेक्शन वाली होती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ वैक्सीन, दिस इज अ मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट, ओके। तो ड्रग जो है पाउडर फॉर्म में आएगा, जैसे आपका ग्लूकोन डी आता है या ORS आता है, इसको आपने पानी में घोलना है और उसको पी लेना है, ओके। बेसिकली मॉडरेट टू सिवियर जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसको भी परमिट किया गया है, उनपे इमरजेंसी यूज के लिए इसको परमिट किया गया है, ओके। अब इसकी खासियत क्या है, इस पर्टिकुलर मेडिसिन की खासियत क्या है, कि एक तो सबसे पहले आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से सोर्स करना पड़ता है। जब सेकेंड वेव की स्टार्टिंग की न्यूज़ आने लगी थी अप्रैल मंथ में, तब हम ये भी देख रहे थे कि US जो है हमें रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो ये जो आपका मेडिसिन है 2DG, इसमें ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक जेनरिक मॉलिक्यूल यूज किया गया है, ठीक है, विच इज इजीली अवेलेबल इन द कंट्री। तो इसको आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन इसकी कंट्री में कर सकते हो विदाउट डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ये भी इसकी एक खास बात है, ठीक है। पाउडर फॉर्म में आएगा सेशे में, ऑरली इसको डिजोल्व करके आपने जो है लेना है, ओके। इसकी खासियत क्या है कि ये वायरस के साथ, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके साथ एक्यूमुलेट हो जाएगा, उनके साथ चिपक जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से ये जो वो वायरस वाले सेल्स हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन होने से रोकेगा, उनकी ग्रोथ होने से रोकेगा, एंड अल्टीमेटली द इन्फेक्टेड सेल्स विल बी फिनिश्ड और ग्रोथ उनकी जो है वो रुक जाएगी, ओके। एंड क्लिनिकल ट्रायल्स जो हुए हैं इस पर्टिकुलर ड्रग के, दे हैव शोन कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फास्टर रिकवरी में हेल्प करते हैं कोविड पेशेंट्स की। तो उससे क्या होगा, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी जल्दी से डीकंजेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो अभी हमें प्रॉब्लम आ रही है ना, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोलैप्स होने की बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, ऑलमोस्ट कई जगह पर कोलैप्स हो चुका है, तो उसकी जो स्पीड है वो भी हम स्लो कर सकते हैं इसके इमरजेंसी यूज से, ठीक है। आने वाले समय में अगर इससे रिलेटेड कोई और आर्टिकल आएंगे या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी तो उसमें भी हम जो है जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। 2020 में आपका FCRA एक्ट को अमेंड किया गया था, तो आपको अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड ही जो है स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है, नॉट मोर देन 20% ऑफ द टोटल फॉरन फंड्स received could be defrayed for administrative expenses. आप 20% से ज़्यादा फंड अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसको मिल रहा है, तो फॉर एग्जांपल उसको 100 रुपये मिले, तो 100 रुपये में से ज़्यादा वो 20 रुपये जो है वो खर्च सकती है, ये बोलकर कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का खर्चा है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है, द एक्ट स्टेट्स दैट foreign contribution must be received only in an account designated by the bank as FCRA account. सिर्फ designated account में आप पैसा ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी खाते में पैसा आ रहा है। Third, the Amendment Act bars public servants from receiving foreign contribution.
ठीक है, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है, तीनों सही है, करेक्ट ही पूछा है ना हमसे। ओके करेक्ट ही है, लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर, आपने करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है कौन सी है। ओके तो 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 3 ओनली। चलिए तो आंसर क्या होगा इस केस में, देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3। ओके तो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में ये आया कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसके जो प्रोविजंस हैं उसकी वजह से जो फॉरेन कोविड एड आ रही है एनजीओस के पास, दे आर नॉट एबल टू रिसीव दैट, और दे आर नॉट एबल टू टेक दैट बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट FCRA नॉर्म्स। ओके बिकॉज FCRA में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें आपको फॉरेन एड लेना है तो उसमें आपको काफ़ी सारी परमिशंस चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम FCRA के बारे में अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपका एक्ट आया था 2010 में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FCRA। ओके तो इसके प्रोविजंस देखते हैं, गिव मी अ मिनट। ओके सो सबसे पहले तो फॉरेन फंडिंग ऑफ पर्सन इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। अगर कोई भी फॉरेन फंडिंग आ रही है इंडिया में तो इस एक्ट के अंदर रेगुलेट होगी, और इंप्लीमेंट इसको कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको करती होगी, तो वो कन्फ्यूजन आपने नहीं लेकर के आनी है, पेपर में पूछा जा सकता है। ओके सो इंडिविजुअल्स भी परमिटेड हैं कि वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकें बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन के, लेकिन उसके लिए जो मॉनेटरी लिमिट है एक्सेप्टेंस की, वो सिर्फ 25,000 से कम की होनी चाहिए। ठीक है, द एक्ट इंश्योर्स दैट द रिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स एडहेयर टू द स्टेटेड पर्पज फॉर विच सच कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन अटेंड। जिस पर्पज़ के लिए आपको डोनेशन का पैसा मिला है, उसी पर्पज़ के लिए आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी एक प्रॉब्लम है एनजीओस के साथ। अब एनजीओ कह रहा है कि यार हम कोविड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूशंस आए हुए हैं, वो पैसा आपको कोविड रिलीफ के लिए देना चाहते हैं, पर क्योंकि FCRA में क्या लिखा है कि जिस पर्पज़ के लिए आपको पैसा मिला है आप सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो दे आर नॉट एबल टू हेल्प। ओके उसके अलावा इस एक्ट के अंडर जो भी FCRA के रेगुलेशन में अथॉरिटीज़ आती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, उनको हर 5 साल में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है कि वो लाइफ टाइम चलेगी, हर 5 साल में इन एनजीओज को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को विच आर गेटिंग द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, विच आर रिसीविंग द फॉरेन एड, उनको हर 5 साल में मिनिस्ट्री के साथ जो है अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके उसके बाद डिस्कस करते हैं अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020, जो आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो आपके पब्लिक सर्वेंट्स हैं दे आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, वो किसी भी तरह का फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं रिसीव कर सकते। ओके एंड पब्लिक सर्वेंट्स में कौन आ गए, वो लोग जो किसी भी तरह की सर्विस में है या सरकार उनको किसी भी तरह का पैसा दे रही है, ठीक है, रेम्यूनरेशन सरकार उनको दे रही है, या वो किसी भी तरह की पब्लिक ड्यूटी पर है। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, द एक्ट प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर कोई व्यक्ति फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिसीव नहीं कर, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है फॉर रिसीविंग द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आप उसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, उसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन एड अचीव कर रही है, फॉरेन एड रिसीव कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑफिस बियरर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, या जो भी की फंक्शनरीज हैं जो इन्वॉल्व हैं फॉरेन एड रिसीव करने में, उन सबको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अपना आधार नंबर जो है एज अ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट उनको सरकार के पास सबमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा FCRA अकाउंट एक्ट में सीधा सीधा ये लिख दिया गया कि पैसा सिर्फ आपके डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में, जो जो डेजिग्नेटेड FCRA बैंक अकाउंट है, और वो FCRA बैंक अकाउंट भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी न्यू दिल्ली ब्रांच में ही खोल सकते हो। ठीक है, तो सिंगल एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया कि आप FCRA अकाउंट खोल सकते हो।
उसके अलावा आप किसी और बैंक में FCRA अकाउंट भी नहीं खोल सकते, ओके। उसके अलावा 20% जो है आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, 20% से ज्यादा नहीं। FCRA 2010 में 50% तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन अमेंडेड एक्ट में ये कितना हो गया, 20% हो गया। उसके अलावा सरकार के पास ये भी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है, अगर उन्हें लगता है कि कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ किसी तरह के डिफॉल्ट में है और वो रजिस्टर्ड है टू रिसीव FCRA, तो सरकार उनका सर्टिफिकेट जो है वो सरेंडर भी करा सकती है, कैंसिल भी करा सकती है, इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी रहेगी, ठीक है। चलो, तो ये सारे प्रोविजंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। और रिसेंट प्रॉब्लम, एक फरवरी 2021 में होम अफेयर्स का सर्कुलर आया था, जो अभी की जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी कि NGOs आर नॉट एबल टू हेल्प इन कोविड एड, तो उसमें सीधा सीधा लिखा गया दैट द डोनेशन रिसीव्ड इन इंडियन रुपीज बाय NGOs एंड एसोसिएशंस फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स, ओके, इवन इफ दैट सोर्स इज लोकेटेड इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, वो भी अगर कोई एड दे रही है, तो उसको अपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ही ट्रीट करना है, और फिर उसके ऊपर वो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लग जाएंगे, देन यू कैन नॉट हेल्प द कोविड रिलीफ में, वो पैसा नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इसी वजह से। सो दे आर कंटिन्यूसली यू नो रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट कि जब तक ये कोविड वेव चल रही है, जब तक इंडिया में ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, तब तक इनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। ओके, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ओके, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेंगोलिंस। पेंगोलिंस कभी ना कभी न्यूज में रहते ही हैं, ठीक है। नंबर वन, दे आर द ओनली नोन मैमल्स टू हैव लार्ज केराटिन स्केल्स ओवर देयर स्किन। ओनली नोन मैमल्स टू हैव लार्ज केराटिन स्केल्स ओवर देयर स्किन। नंबर टू, द IUCN स्टेटस ऑफ इंडियन पेंगोलिन इज एंडेंजर्ड। IUCN स्टेटस के ऊपर बहुत क्वेश्चन फंसता है, तो वो पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। उसमें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ वो पूछते रहते हैं। थर्ड, द IUCN स्टेटस ऑफ चाइनीज पेंगोलिन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस होता है आपके चाइनीज पेंगोलिन का। तो एक इंडियन पेंगोलिन है और एक चाइनीज पेंगोलिन है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन ए वन ओनली, बी 1, 2, 3, सी 1 एंड 2, डी 1 एंड 3। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब न्यूज में देखते हैं क्यों था। जो साइंस एंड टेक वाला पेज है 9 मई का, आपका संडे का जो साइंस एंड टेक का पेज था, उसमें बेसिकली ये न्यूज कवर थी। तो जो आपके पेंगोलिन्स हैं, ये एक तो शेड्यूल 1 में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और दे आर नोन टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल, ठीक है। इनकी मेनली ट्रैफिकिंग की जाती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ईस्ट एशियन मेडिसन्स हैं, चाइना, थाईलैंड वगैरह में इनकी बहुत ज़्यादा इलीगल स्मगलिंग होती है, ठीक है, मेडिसन्स बनाने के लिए, लोकल मेडिसन्स बनाने के लिए, ठीक है। अराउंड 2.5 बिलियन वर्थ का ट्रेड जो है वो हर साल होता है। ऑलराइट, अब प्रॉब्लम ये आती है कि अलग अलग स्पीशीज होती हैं पेंगोलिन की भी, जैसे हमने इंडियन पेंगोलिन देखा और चाइनीज पेंगोलिन देखा। तो रिसेंटली जो आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स हैं कोलकाता में, उन्होंने एक टूल डेवलप किया है जिससे आप स्केल्स देख करके बता सकते हो कि ये इंडियन पेंगोलिन के स्केल हैं या चाइनीज पेंगोलिन के स्केल हैं, ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि किस रीजन से पेंगोलिन्स को स्मगल करके लाया जा रहा है। ऑलराइट, तो ये तो बेसिक न्यूज़ थी, ये अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम पेंगोलिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, ठीक है जी। तो पेंगोलिन्स स्केली एंट ईटर मैमल्स होते हैं, लार्ज प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स होते हैं, और ये इकलौते मैमल्स होते हैं जिनके पास ये फीचर होता है, ठीक है। इंसेक्टिवोर होते हैं, कीड़ी और टर्माइट्स वगैरह को खाते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, ओके। एंड 8 पेंगोलिन स्पीशीज हैं, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना, आपको इंडिया में चाइनीज पेंगोलिन भी मिलते हैं, ठीक है। इंडिया में इंडियन पेंगोलिन्स तो होते ही हैं, साथ के साथ चाइनीज पेंगोलिन्स भी होते हैं। ऑलराइट, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। और एक बार न्यूज़ के ऊपर दोबारा चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द IUCN, यहाँ पर स्टेटस की बात की जा रही है, इंडियन पेंगोलिन्स जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं और चाइनीज पेंगोलिन्स जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ओके। चलो, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल। आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, PIB में से इसको हमने पिक किया है। पहला, द फर्स्ट आर्कटिक मिनिस्टीरियल वॉज हेल्ड इन 2016 इन USA। पहला आर्कटिक मिनिस्टीरियल 2016 में USA में हुआ। द थर्ड आर्कटिक मिनिस्टीरियल इज द फर्स्ट टू बी होस्टेड इन एशिया।
तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है, अगर पीआईबी को फॉलो कर रहे हो फिर तो इजी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो रिसेंटली न्यूज में इसी वजह से था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल। ऑलराइट, सो थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल 8 to 9 में के बीच में इसको कंडक्ट किया गया। पहली जो दो मीटिंग्स हैं, पहली हुई थी यूएसए में 2016 में और दूसरी जर्मनी में 2018 में। जो थर्ड मीटिंग है, इट हैज बीन जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय आइसलैंड एंड जापान एंड इज द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग बींग हेल्ड इन एशिया। ठीक है, तो आपके दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। इस साल का जो थीम था वो क्या था, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्किटेक्ट। ठीक है, थीम भी पता होना चाहिए, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जहाँ पर ये पीआईबी में न्यूज़ कवर थी, तो कुछ इंडिया एंड आर्कटिक से रिलेटेड चीज़ें थी जो वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन की। सबसे पहले तो इंडिया का जो आर्कटिक से रिलेशन है, दैट इज़ यू नो फ्रॉम सिंस 1920 में हमने ट्रीटी साइन की थी, स्वालबार्ड ट्रीटी इन पेरिस। ओके, तो पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट, ये जितनी पॉइंट्स अब मैं आपको कराने वाला हूँ, ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके। 2008 से इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन भी है आर्कटिक में, कॉल्ड हिमाद्री। ओके, स्वालबार्ड एरिया नॉर्वे में। उसके बाद इंडिया ने अपना मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी विच इज कॉल्ड इंडिया आर्क, ये भी डिप्लॉय किया हुआ है आर्कटिक रीजन में। ओके, सिंस जुलाई 2014। उसके बाद अगर आप देखें जो रिसर्च है आर्कटिक रीजन में फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया, ये इंडिया की तरफ से कौन सी एजेंसी कोऑर्डिनेट करती है, तो दिस इज डन बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आती है एंड इट इज इन गोवा। ओके, 2013 से इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है आर्कटिक काउंसिल में। सो टोटल 12 कंट्रीज हैं, टोटल 13 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जिनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। सो दे आर जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। ओके, इसके अलावा भी आर्कटिक काउंसिल में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पर उनको मैंने अभी इस वीडियो में कवर नहीं किया है। उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड कोई और न्यूज आएगी तो आर्कटिक काउंसिल को पूरा डिटेल में तब हम कवर करेंगे। ओके, चलिए। ओके, सो ऑलराइट गाइस, हियर वी एंड आर दिस लेक्चर 8th and 9th में के करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, एंड जो बच्चे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमसीक्यू कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाकर उनको एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप और मेल आईडी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बता दिए हैं, बाकी के वीडियोज़ आपकी स्क्रीन पे हैं, वो भी ज़रूर देखिए। सो मिलेंगे अगले के लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।